दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए, विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। माहौल कांग्रेस पक्ष में है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने गए थे और तीन परिवारों को दूर दे रहे हैं, जबकि इतिहास बनाने वाले यही लोग हैं वहाँ पर आजादी के बाद में। तो प्रधानमंत्री खुद ही बोखला के बोल रहे हैं, लगता है कि पहले ही वो अपने हार स्वीकार कर चुकी है। मेरा मानना है कि अच्छे परिणाम आएंगे और बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। सर, दूसरा सवाल है, राहुल गांधी और अमर उद्दला का एजेंडा है कि आतंकवादियों को रिहा। ये तो बकवास है, ऐसी बातें बोलना ही मैं समझता हूँ बड़ा पाप है। फारूक साहब का परिवार का क्या इतिहास है सब जानते हैं। राहुल गांधी जी का परिवार तो पूरे त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है, उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा आजकल बीजेपी द्वारा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर, पीएम मोदी को खड़गे ने पत्र लिखा है कि केंद्रीय मंत्री पप्पू तंज गांधी को नंबर वन आतंकवादी कहकर विवाद शुरू किया है, कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख अभी भी पप्पू ही कहना चाहते। दुर्भाग्य है, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। तो बीजेपी के नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। सर, लास्ट सवाल है सर, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन उसमें डॉक्टरों का कहना है कि हम नई सरकार बनने के बाद काम अभी चालू नहीं कर रखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर कौन? आज जो डॉक्टर बैठे हुए प्रोटेस्ट, लोकल प्रोटेस्ट होगा, मुझे प्रोटेस्ट की अलग बात है। डॉक्टर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी है। जी, डॉक्टर बैठे हुए कि नई सरकार जो बनेगी मुझसे बात, सरकार कब बनेगी बात तो करना चाहिए। अगर डॉक्टर स्ट्राइक पर नुकसान किसको होता है, तो मैं समझता हूँ ये तो उसका हल होना चाहिए, वो अलग मुद्दा है।